Assalamu alaikum. My name is Param. I'm Harman. Welcome back to our channel, guys. So we are back again with another new video. आज बहुत ही ज़्यादा interesting video लेके आए हैं. बिल्कुल. इतनी ज़्यादा interesting है कि हमें इसके बारे में कुछ knowledge नहीं है. तो इस वजह से and ये हंसी TV से है ये video. Real side of Karachi Clifton horse ride story. अभी कराची क्लिफ्टन हॉर्स राइड क्या सीन है, मतलब क्या स्टोरी है, इसमें क्या पता चलेगा. 8 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है. ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके वहाँ पे भी आप देख सकते हो. तो चलिए गाइस, आज के वीडियो का आगाज करते हैं. तो जी, खबर यह है कि कराची सी व्यू पर एक के बाद एक गैर मुल्की ब्लॉगर से बदतमीजी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, जिस पर फौरी एक्शन लेते हुए पुलिस ने एक ही दिन के अंदर इन्हें हिरासत के दौरान रखकर अपने चीतर से इनके तमाम वायरस भी क्लीन किए और इनके सॉफ्टवेयर के वर्जन को भी अच्छी तरह से अपडेट कर दिया, जिसके बाद इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही स्मूथ हो गई है. जिसका सबूत ये वीडियो बयान है, जिसके अंदर इस लड़के जुबैर का कहना है कि अब 3,000 मांगना तो दूर की बात, मैंने तो उस अंग्रेज व्लॉगर की मोहब्बत में अपने घोड़े का नाम भी लूक डैमेट ही रख दिया है, जिस ऑस्ट्रेलियन व्लॉगर से मैंने 200 रुपया तय करके इससे 3,000 मांगे थे. Oh, you're so dirty. Maza. Kitna? 300. Ek ride ka. 300. Nahi 300 nahi, 3000. 200 na? Nahi. Wala. Nahi, 3000 hoga. Change? 3000. Inni mat hai, 3000. Kya? 3000. 3000. Nahi. Oh, kam. Nahi. 3000. Nahi. 300. You said 200. Nahi, nahi, nahi. 200 rupaye ek ride. Egg ride. Yeah, 200. Egg ride. We went egg ride. Come, egg ride. Bro, 200. I'm not paying 3,000. Egg ride, 200. Egg ride, 200. Come, Eza. Nay, nay, nay. Video, bro. Nay, nay, nay. Nay, 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 nay. There, here. Bro, take the money. ये नहीं होता है, घोड़ा है वो उधर से घुमा के लेकर. Alright, well, I'm gonna walk. हाँ सर, कम ना पैसा भी. Take it. ये नहीं होता है ना. Take it. ये नहीं होता है. Take your money. ये money नहीं. Take it. आप तपाई कर रहे. You said 200. बनाओ मारा, तुम तपाई क्यों कर रहे. You said 200. Then you say 300. I'm not paying 3,000, bro. You want the money or not? इधर आओ, अभी तेरे को मैं money बना लूँगा. इधर पैसा दो, इधर दो. Take it. 1,000 rupees. 1,000 rupees. Nay. 1,000 de, baat khatam. 1,000 de, baat khatam. Tera udhar dekh, udhar se lekar aa. Dekh, dekh, jagah, dekh, dekh, jagah. Udhar se lekar aa. Mera naam Zubair hai. Maine angrez ko ghode pe bithaya tha. Usko rona diya tha. Abhi aaj ke baad main agar main ko log ke saath badtameezi nahi karunga, usko izzat karo, ehtram karunga, maafi mangunga usse. इसके अलावा डेल फ्लिप, जिसका ताल्लुक स्कॉटलैंड से है, इससे भी 300 रुपया तय करने के बाद में 5,000 रुपया मांगने वाला ये शख्स और इसके साथ ही भी हवालात के अंदर माफिया मांग रहे हैं. 200. Yeah, 100. But I told them to stop down there. How much you want? One checker is my 200. To this side भी. Yeah. This side भी गया, सही है. Okay, कितना रुपीस? 5,000. How much? 500. 5,000. 5,000. Crazy. You say 200. 200 one checker. Yeah, 200 okay. One, yeah. 200 from all the way up here to down here, right? Paid no, for it. No, I paid. Sir, you take from him. 5,000. No, 1,000, you take from no, him. Sir. You take no, from no, him, brother. Sir, no. Brother, you take sir, from him. No, no. 200. Take from him. No, I didn't ask. Sir. I didn't ask. Me, I don't ask. Give I only ask 5, for horse rides. Please 5. I didn't take 25 rides, so no. It's not 5,000. 5,000. नो डाउट कराची पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया और वक्त पर कार्रवाई करके इन लोगों को मुल्क की इंटरनेशनली तौर पर बदनामी से बचाया. लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या सीवीयू पर मौजूद माफिया, चाहे वो घोड़े वाला हो, चाहे वो ऊंट वाला हो या कोई भी गाड़ी वाला हो, एक लम्हे के लिए दिल पर हाथ रखकर बताएं कि क्या बहसियत कौम हम पाकिस्तानी इन्हीं घोड़े वालों को रिप्रेजेंट नहीं करते. मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा, बल्कि उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कि मेजॉरिटी में हैं और जिन्हें मौका मिलता है. क्या हमारे यहां फ्रूट बेचने वाले से लेकर दूध बेचने वाले और पार्लियामेंट में बैठे हुए रुकने कौमी असम्बली के अंदर मौजूद ज्यादातर लोग मौका मिलने पर किसी को धोखा देने और इन्हें लूटने का कोई भी मौका हाथ से जाने देते हैं? मैं इन घोड़े वाले माफिया के जुर्म को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा, बल्कि इनको इनकी सजा बिल्कुल ठीक मिली है.
पर क्या इतना ही तेज एक्शन कौमी खजाने को लूटने वाले बड़े बड़े लुटेरों के खिलाफ नहीं होना चाहिए जो बीमारियों का बहाना करके मुल्क से कई साल के लिए बाहर भाग जाते हैं। लेकिन अफसोस तो यह है कि जिन लोगों पर हमारी पुलिस का बफ चलता है इनके लिए इंसाफ वाकई हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है। मुल्क में दो कानून क्यों हैं? और ये बात मैं बिल्कुल ऐसे ही नहीं कर रहा, बल्कि 1 मार्च 2022 को एक रशियन व्लॉगर एना मर्करोवा पाकिस्तान घूमने आई, जहां पर लोगों से इसे बहुत ज्यादा प्यार मिला। इसने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को लेकर और खूबसूरती को दिखाकर दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को रोशन किया। लेकिन एक रोज एक शख्स जो कि इन्हें पिशावर से अपनी पर्सनल गाड़ी पर बिठाकर यानी लिफ्ट के तौर पर इस्लामाबाद पहुंचाने का कहकर कहीं और ले जाना चाहता था, मगर इस लड़की और इसके बॉयफ्रेंड की हाजिर दिमागी की वजह से इन्हें मोटरवे पर अकेला छोड़कर वहां से भाग गया, जिसकी वीडियो इन दोनों ने रिकॉर्ड कर ली। और इस शख्स का ताल्लुक आर्मी के किसी बड़े रैंक का बताया जाता है। इस लड़की ने उस दिन के बाद खूब कोशिश की कि इसे किसी भी तरह से इंसाफ मिले, लेकिन इसे पाकिस्तान के लोगों ने खुद कहा कि मैडम आप बिल्कुल गलत जगह पर कोशिश कर रही हो, क्योंकि इस मुल्क के अंदर इंसाफ सिर्फ घोड़े वालों के खिलाफ है, अपना वक्त जाया न करें और इस सबको भूल जाएं। लेकिन इस लड़की ने आखिरी हद तक जाने का फैसला किया और जब ये पुलिस स्टेशन FIR के लिए गई तो वहां पर इन्होंने इसे दर्ज करने से इनकार कर दिया। इस लड़की ने रशियन एम्बेसी को फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवाई। जब रशियन एम्बेसी का बंदा इस थाने के अंदर आया तो पुलिस वालों ने इसे चाय पेश करने के बाद इसकी खिदमत की और इसके फौरन बाद ही मुकदमा दर्ज हो गया, जिसके बारे में इन पुलिस वालों का कहना था कि यह मुकदमा सिर्फ पिशावर के अंदर ही दर्ज हो सकता है, यहाँ पर नहीं। जिसके बाद हर बार फोन करने पर इस लड़की को यही जवाब दिया जाता रहा कि आपका केस पिशावर के अंदर मुतलका थाने को भेज दिया गया है और इस बात को आज महीना होने वाला है। जिस पेट्रोल स्टेशन पर इस लड़का और लड़की को उतारा गया था वहां की CCTV फुटेज को लेकर इन्हीं दोनों ने ही पुलिस के हवाले किया, जिसके बावजूद भी पुलिस का किरदार इंतहाई शर्मनाक रहा। और यही मेरा सवाल है कि एक ही मुल्क के अंदर इंसाफ के दो मेयार क्यों? क्या पाकिस्तान में इंसाफ लेने के लिए किसी शख्स का व्लॉगर होना या गैर मुल्की होना जरूरी है, या उस केस का मीडिया पर आना जरूरी है, या फिर उसका खुद सोजी की कोशिश करना तब जाकर इस मुल्क के अंदर किसी को इंसाफ मिलेगा? आज अमेरिका और यूरोप की आवाम बेशक काफिर और मुशरिक ही सही, मगर कामयाब इसलिए हैं क्योंकि इनके मुल्कों के अंदर इंसाफ सबके लिए एक बराबर है। ऐसा इंसाफ जिसकी तलकीन बार बार हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि बर्बाद हो जाती हैं वो अकवाम जिनमें इंसाफ गरीब के लिए अलग हो और अमीर और ताकतवर के लिए अलग। एक बार एक ऊंचे दर्जे के खानदान की औरत ने चोरी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जब मुकदमा लाया गया तो लोगों ने उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु से इस औरत की माफ़ी की सिफारिश करवाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ इस औरत की माफ़ी की दरख्वास्त करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल के आप बहुत लाडले हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हजरत जैद बिन हारिस के बेटे हैं, वो वाहिद सहाबी जिनका जिक्र कुरान करीम में नाम के साथ मौजूद है। मगर इस सिफारिश पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहली कौमें इसीलिए तबाह हुई कि इनके यहाँ कमजोर के लिए बिल्कुल अलग कानून था और ताकतवर के लिए अलग। खुदा की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। इससे बढ़कर हमें किस तरह से अल्लाह के रसूल समझाते हैं कि जिस मौशरे के अंदर नाइंसाफी हो वो मौशरे तबाह हो जाते हैं, और अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है, वो इन लोगों के अंदर मौजूद कुछ अच्छे लोगों की भी परवाह नहीं करता। आज इंसाफ के मामले में हमारा मुल्क सबसे निचले दर्जे की लिफ्ट के अंदर आता है। अदालतों के बाहर लोग झूठी गवाहियां देने के लिए किराए पर दस्तयाब होते हैं। आने वाली नस्लें अपने दादाओं परदादाओं के केस का फैसला सुनती हैं। लाखों करोड़ों केस अभी तक पेंडिंग है। इंसाफ हासिल करने के लिए गरीब बंदे को अपने घर तक को भेजना पड़ जाता है। ये मुल्क हमारा है, हम इसकी खामियों को छुपाकर और इन पर पर्दा डालकर इससे हमदर्दी नहीं करेंगे, बल्कि इसे नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है। और ना ही इस मुल्क को छोड़कर हम कहीं और हिजरत कर सकते हैं, क्योंकि हमें ही अपने मुल्क को मिलकर इसको ठीक करना है, इसके हाल पर नहीं छोड़ देना। सो गाइस, ये था हमारा रिएक्शन, बहुत ही बेहतरीन वीडियो था ये, एंड इन्होंने बिल्कुल सच बात कही है। एंड ये सिर्फ वहाँ पे नहीं, एंड ये जो कोर्ट केसेस की बात है ना, वो तो यहाँ पे भी सेम हाल है। एंड बहुत गलत बात है ये, बहुत ही ज़्यादा। एंड ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वीडियो थी, एंड जो उन्होंने कोर्ट केस की बात कही ना, एंड यहाँ पे इंडिया में भी सेम वही हाल है। कोर्ट केसेस पेंडिंग पे पेंडिंग पेंडिंग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो सनी देओल वाला डायलॉग, तारीख पे तारीख, एंड वो हमेशा चलती रहती है। बट ये जो उन्होंने वो स्टार्टिंग में वो ज़्यादा पैसे मांगने वाली चीज़, भाई ये तो बहुत गलत है। मैंने पहली बार ऐसे देखा है, मतलब सच में, मतलब मैंने नहीं देखा ऐसे कभी। एंड ये बहुत गलत चीज़ है कि हमारे जो, चाहे हमारे देश में भी जब कोई इंसान आता है ऑब्वियसली उसकी खिदमत करनी चाहिए। एंड कहीं भी जाए इंसान, हम भी अगर कहीं पे जाएं, हमारी अगर कोई खिदमत अच्छे से करे तो हम उसको कितना अच्छा समझेंगे। और हमारे साथ अगर एक हादसा हो जाता है गलत, तो हम पूरे, मतलब वो माइंड में बैठ जाता है यार उधर जाना नहीं अभी, क्योंकि उधर ऐसा होता है।
तो ये वाला चीज नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री के लिए. एंड वो लोगों की जिम्मेदारी है, वो जो वहां पे रहते हैं उनकी खुद की. बट कुछ लोग हर जगह पे बुरे होते हैं, सब नहीं होते बट कुछ लोग तो होते हैं, एंड हर जगह पे होते हैं वो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं पे होते हैं. एंड ये चीज़ समझनी चाहिए. एंड बहुत ही अच्छा मुद्दा लेके आए थे वो. एंड उन्होंने ये भी बिल्कुल सही कही कि जो कानून है, लॉ है, एंड ये लॉ एकदम जो अमीर इंसान है जिसके पास ताकत है उसके लिए अलग है, और जो नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए अलग. ये बहुत गलत बात है. सबके लिए कानून सेम होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए.